हेलो गाइज, आप सब लोग अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि राम झूला गए थे और हर जगह राम झूला और लक्ष्मण झूला गए थे, तो वहाँ पे दिखाया, आपको आरती भी दिखाई थी, तो आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अभी हम निकल रहे हैं, रूम पे आए थे तो रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी हम निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, वैसे भी हमारा टाइम हो गया 24 आवर। तो हम निकल रहे हैं आगे की साइड, तो अभी एक घाट घूमना रह रहा है, तो अभी वहाँ जाते हैं, वो घूमते हैं। तो सूरतों को बहुत ज़्यादा ही जल्दी है वहाँ जाने की, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पीछे बैठा हुआ, वो हल्की सी स्माइल दे रहा है। तो अभी हम वहाँ जाते हैं, दिखाते हैं आपको भी, और ये बंदा भी पहली बार जा रहा है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी घाट, जो कि जस्ट अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भी भीड़ हो रही है, यहाँ पे लोग बाग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे अभी गाड़ी पार्किंग लगाई है, जो कि अब से थोड़ी देर रुकना है, मुश्किल से 5-10 मिनट, फिर यहाँ पे ये सुब्रतो भाई हमारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, है ना भाई? तो अभी हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट पर, जो कि आप सब लोग देख सकते हैं, गंगा जी का जो पानी हो बहुत ज़्यादा ही, गंगा इस टाइम बहुत ज़्यादा भरी हुई चल रही है। इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने वहाँ जहाँ पे आपको पेड़ दिख रहे हैं, मैंने वहाँ जाके वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम तो पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे था। अब तो पानी पूरा लेवल देखिए, पानी गंगा जी का लेवल एकदम भी बराबर हो गया है, और ये पानी, ये लोहे के जो हैं ये सब डूब रखे हैं। और जब हम पिछली बार आए हुए थे इससे पहले मई में, तो वो इतना ज़्यादा नहीं था, अभी शायद बारिश का मौसम चल रहा है, चक्कर से बहुत ज़्यादा गंगा जी का लेवल हाई है। तो अभी देखते हैं, हम साइड में यहीं पे कहीं खड़े होकर भी स्नान करेंगे, फिर देखते हैं आगे की तरफ। और आप सब लोग देख सकते हैं, रात में तो ये व्यू नहीं देख पाए थे, और वहाँ पे सामने घाट पे कहते हैं कि वहाँ पे वाइट हाथी आते हैं पानी वानी पीने के लिए। अब और यहाँ पे देखिए, और ये हमारे बाकी सारे भाई लोग, और ये सुब्रतो भाई जो कि सोच रहे हैं क्या करना है। तो अभी हम जल्दी से जल्दी कपड़े वपड़े निकालते हैं और अपने यहाँ पे स्नान करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गंगा जी के अंदर, तो धीरे धीरे ठंड लगती जा रही है। तो अभी हम आ गए अंदर, तो सांस नीचे का पोर्शन ठंडा हो जाते फिर ऊपर आप सब लोग देख सकते हैं, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ना, यहाँ पे बिल्कुल सीढ़ी है इसके आगे भी। तो अब हम जब हम पिछली बार आए थे, हम इस पोल से आगे जाके नहाए थे, जो कि अभी ये बहुत ज़्यादा ही लेवल हाई है। तो अभी हम खुद यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। ये देखिए आप बहाव, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कितनी तेज पानी जा रहा है। यहाँ पे आए हैं तो सब देखे, पीछे सब खड़े हुए हैं वीडियो शूट करवाने के लिए, जो कि मैं अभी इनसे पैसे लूँगा वीडियो शूट करवाने के। तो अब ये देखिए, ये असली मज़े होते हैं। देखना मैं कैसे मारता हूँ, स्वाद लेना है। अबे ये तो चल रहा था, तैर थोड़ी ना रहा। चलो go
स्नान कर लिया था तो हम कपड़े वपड़े पहन के जा रहे हैं दोबारा। हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, तो आपसे मुलाकात होगी थोड़ी गाड़ी में, फिर सीधा हरिद्वार में। तो जल्दी से जल्दी हम सब कपड़े पहन के जाते हैं गाड़ी में, फिर वहाँ बैठ के निकलते हैं, तो आपसे मुलाकात करते हैं गाड़ी में। चलिए दोस्तों चलते हैं, चलो आ जा। तो अब जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए, तो ये खड़ी हमारी गाड़ी, चाबी दी उसकी। तो अभी हमने गाड़ी वाड़ी का लॉक खोला है, जल्दी से आपके सब रेडी जाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं गाड़ी में। अभी हम यहाँ पे आए थे पार्किंग, हरिद्वार पहुंचे हैं तो पार्किंग लगाने जा रहे थे, बट वहाँ पे पार्किंग हमें मिली नहीं। तो अभी हम यू टर्न लेके बोला गया है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा जाम है कि पूछो मत, हमें एक घंटे से ज्यादा हो गया है यहाँ पे धीरे 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 चलते चलते। अब देखते हमारा नंबर कब आता है। तो अभी हमने गाड़ी पार्किंग लगाई है, तो गाड़ी पार्किंग लगा के अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी, तो वहाँ जाके आपको मस्त मस्त नजारे दिखाएंगे। तो गाइज आप सब लोग देख सकते हैं संडे का जो दिन है, आज इतना ज्यादा भीड़ हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते, और रात तो बहुत धूप बहुत ज्यादा ही है। तो इस चक्कर से हम ढूंढ रहे हैं जगह, अभी तक हमें खाली जगह नहीं मिली है। हमें धूप का हम लोग ऋषिकेश में इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग बारिश बहुत ज्यादा होने लगे, जिसकी वजह से हम लोग नीलकंठ का प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा। और धूप अगर हमें नीलकंठ मिल जाता ऋषिकेश में, तो हम वहाँ पे दर्शन करके आ चुके होते। तो वही इसी चक्कर से हमने वहाँ पे वो भी नहीं कर पाई, क्या राफ्टिंग नहीं कर पाए हम लोग, वहाँ पे राफ्टिंग बंद होती, जिसके वजह से हमें अब एक मंथ बाद फिर आना होगा। तो एक मंथ बाद फिर मिलेंगे, जगह एक मिल चुकी है यहाँ पे खाली, यहाँ पे थोड़ा बहुत घाट खाली है, तो अभी हम यहाँ नहाने जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे अपना सामान वामान और फिर जल्दी से जल्दी जाके गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। पौड़ी में नहा लिया है, सबने स्नान कर लिया है। तो भाइयों बताओ कैसा लगा सबको? बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। आज तो मेरा जन्मदिन था, जन्मदिन के आए दिन में आप लोगों को बता नहीं सकता आज मतलब क्या हुआ, मरण दिन सा हो गया था, लेकिन भगवान की आज बहुत ही अच्छा लगा सबने आशीर्वाद था कि हां। तो भाई का बहुत मन था आने का, सुनते हैं कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। और आज तो दीपक भाई और हमने खूब घूमी मारी है, बहुत मजा किया। तो अब जा रहे हैं थोड़ा मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि हमें कुछ सामान वामान लेना है, तो सामान वामान लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या पसंद। कुछ घर वालों ने सामान मंगवाया था, वो लेके थोड़ा लेने जाते हैं, फिर उसके बाद हम फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो आई होप हमारा आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं। तो अभी हम सामान वामान लेके घर द्वार से हम निकल चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो हमने भी कुछ ऐसी चीजें ली हैं, अपने ऐसी चीजें एसयूवी ट्रैक्टर रखी है यार मैं ना, वो ट्वेल्व वर्क लाम है, वो जो कहते हैं ना वो उस हम चार ओवर के लाम है जाम। तो ये सब कुछ आपको हम गंगा जल में लाए, ये बस ज्यादा ले रहा है रखा है गंगा जल ना यार, बेकार है। अब जा रहे हैं बस अपने घर के लिए, अब निकलते हैं, 3 बज गए हैं, तो हमने घर के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। अब तो कहीं आप तो सीधा अब घर ही जाएंगे, और कोई जगह तो बची नहीं है फिलहाल यहाँ पे घूमने के लिए। तो सब ने अपना अपना सामान ले लिया है, तो सब थक गए हैं। तो ये आगे जा रहा है एक बंदा, और एक बंदा ये जा रहा है। अब इन बेचारों को राफ्टिंग करनी थी, इन्होंने राफ्टिंग नहीं करी है, तो बेचारों का थोड़ा मन तो चेहरे उतरे पड़े बेचारों के। तब देखते हैं राफ्टिंग सितंबर में कह रहे हैं खुलेगी, तो सितंबर में दोबारा आएंगे। तो यहाँ पे रोड है, रोड क्रॉस करके अब गाड़ी में बैठने जाते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम आ गए हैं हरिद्वार से निकल के गाड़ी के अंदर। तो आई होप आपको इससे पहले वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी, अब जैसे हम हरिद्वार आए थे ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो अभी हम निकले थे करीब 3:30
आपने देखा ही होगा हरिद्वार में, अभी पौड़ी में कैसा क्या मौसम रहा। तो हम जा रहे हैं घर के लिए, तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग देख सके और लोगों को पता चल सके। चलिए दोस्तों, बाय बाय।